हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क पेड़ा, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है फ्रेंड। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो पेड़ा भी बनाने के कोई कुछ ट्रिक होता है फ्रेंड, सारे रेसिपी की कुछ ट्रिक्स होते हैं, तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, तभी पता चलेगा कि मैं कौन कौन सा ट्रिक लगाती हूँ जो इतना स्मूथ पेड़ा और इतना टेस्टी बनकर के तैयार होता है फ्रेंड। हमारा कुछ अलग ही होता है फ्रेंड, इतना टेस्टी जो भी कोई खा लेता है एक बार तो दोबारा से बनवाते हैं फ्रेंड। तो इस रेसिपी को आप भी सीखिए किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ फ्रेंड, हमारा लोहे का कढ़ाई है। तो उसमें हम 3 पैकेट फुल क्रीम दूध डाल देंगे। तो हाफ हाफ लीटर का है, तो 3 पैकेट में यानी कि 1.5 लीटर हमारा टोटल मिल्क है। तो इसे हमें तेज आंच पर लगातार कंटिन्यू चलाते रहना है। तो मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं खड़े होकर के यहाँ पर बना रही हूँ किचन में। तो आप फुल फ्लेम पर बना सकते हैं। उसके बाद देखिए इतना गाढ़ा हो गया। उसके बाद हमें चीनी को पीस लेना है, और यहाँ पर 300 ग्राम मैं चीनी पीस करके डाली हूँ यानी कि शुगर। तो मैं एक बार में नहीं डालूंगी, बारी बारी से डालूंगी। तो यहाँ पर देखिए 2 बार मैं डाल दी हूँ। तो टोटल 300 ग्राम हमारा चीनी है फ्रेंड। तो आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, बट मैं क्या करती हूँ पीस कर पाउडर डालती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी बनता है। और एक लास्ट में आपको ट्रिक दिखाऊंगी फ्रेंड, और बनाकर दिखाऊंगी, बताऊंगी भी कि मेरा क्या ट्रिक होता है जो इतना टेस्टी बनकर के तैयार होता है पेड़ा, जो जो भी खा लेता है एक बार तो दोबारा से जरूर बनवाता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं आधा चम्मच इलायची का पाउडर भी डाल दे रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आती है, तो आप भी जरूर डालें। और उसके बाद देखिए ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। थोड़ा सा इसको हमें भूनना होता है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और अब हमें इसको चेक करना है कि ये हुआ है कि नहीं, बना रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा मैं एक चक्कू पर डाल रही हूँ, उसको ठंडा करने के बाद मैं देखूंगी कि ये हुआ है कि नहीं अभी। तो यहाँ पर देखिए चेक कर रही हूँ, ठंडा हो गया। तो बिल्कुल अच्छी तरह से बना जा रहा था फ्रेंड। तो अब इस टाइम पे हम गैस को कर देंगे बंद। और एक बात आपको ध्यान देने पड़ेगा कि गैस कम करके ही, अब चीनी डालने के बाद लो फ्लेम पे आप इसको बनाए, नहीं तो ये जल जाती है। तो चीनी जब भी डालें तो लो फ्लेम कर दें। तो यहाँ पर हम गैस को कर देंगे बंद, और बंद करके हमारा देखिए सीक्रेट ट्रिक्स जो मैं बोली थी कि बताऊंगी, ये है। आप किसी भी एक बर्तन फ्लैट ले लें, या ग्लास कटोरी कोई सा भी आपके किचन में है, उससे आपको इसको इस तरह से देखिए मैश करना है। इससे काफ़ी स्मूथ चिकना सा एकदम बन जाता है फिर, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। ऐसे थोड़ा दरदरा सा लगता है। उसके बाद मैं देखिए नीचे उतार करके और अच्छी तरह से मैं इसको इस तरह से मैश कर लूँगी, ताकि ये बहुत ही अच्छा से स्मूथ हो जाए। तो इससे इस ट्रिक से फ्रेंड बहुत ही अच्छा देखने में लगता है और खाने में भी लगता है। सब अजीब सा दरदरा सा लगता है अगर आप इसको पीसेंगे नहीं तो। थोड़ा सा और मैं इलायची पाउडर डाल दी हूँ, काफ़ी अच्छा ये फ्लेवर होती है इससे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कितना अच्छा से हम इसको मसल मसल कर चिकना कर लें। उसके बाद ग्लास में जो भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसको हम निकाल लेंगे, और इसको कढ़ाई से मैं एक जगह समेट कर लूँगी फ्रेंड सारा। और उसके बाद हल्का जैसे ही गर्म रहेगा, पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म में ही आपको इसको पेड़ा बना लेनी है। तो दोनों हथेलियों में इस तरह से हम लेकर घुमाएंगे। अगर आपके हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप घी लगा लें, और घी लगाकर आप बनाएं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं बना ली हूँ। उसके बाद एक छोटा सा होल करूँगी, आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखिए मैं एक फिंगर से होल कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा बनता है फ्रेंड, और ज़्यादा टाइट भी नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ये ठंडा होने लगी है, तो आपको कलर दिख रही हो कितना डिफरेंट कलर लग रही है। तो बिल्कुल चेंज हो गई है कलर फ्रेंड, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं फ्रेंड। और वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारा हमारा पेड़ा बन करके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा बन गया फ्रेंड। मेरे बच्चे बहुत ही मन से खाते हैं, बहुत टेस्टी ये लगता है। तो आप भी अपने बच्चे के लिए बनाएं इस तरह से। मार्केट में बहुत ही महंगा आती है फ्रेंड ये सब चीज़, तो आप घर में बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।